करण मेहरा के लिए कठिन थे स्ट्रगल के दिन। 30 रुपए के टिफिन से होता था 2 वक्त का गुजारा। टीवी एक्टर करण मेहरा निशा रावल के साथ अपने तल्ख रिश्ते को लेकर जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में थे। आपको बता दें कि करण मेहरा टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से उन्हें न सिर्फ घर घर पहचान मिली बल्कि शो में उन्होंने लंबे समय तक काम किया और शोहरत की ऊंचाइयों को भी हासिल किया। लेकिन करण के लिए उस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। एक एंटरटेनमेंट अखबार को दिए गए इंटरव्यू में करण ने अपने स्ट्रगल के दिनों की यादों को अपने चाहने वालों के साथ साझा किया है और ये बताया है कि 2004 में वो मुंबई आए थे और आते ही उन्हें काम और शोहरत नहीं मिली थी। उन्हें 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 4 साल उनके संघर्ष का वक्त था। संघर्ष के वक्त कई बार उन्हें पैसों की कमी भी होती थी और इसी वजह से वो एक समय के टिफिन में 2 बार खाना खाते थे। टिफिन 30 रुपए का आता था और उन्हें खाने के लिए उनका बजट सिर्फ 30 रुपए ही था। करण ने यह भी बताया कि ऑडिशन देने के लिए जब वो जाते थे तो कई बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए सिलेक्ट किया गया और फिर उनके करियर की शुरुआत हुई। इस बीच उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई डिपार्टमेंट में काम किया और लगातार संघर्ष करते रहे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि करण को उनके संघर्ष का फल मिला और आज वो टीवी का जाना पहचाना नाम है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।